हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आईसीटी का फुल ऑन रिवीजन। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन कर लिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अब इस क्लास के अंदर मैं आपका आईसीटी का भी एकदम पक्का वाला रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है? आपके लिए ये क्लास भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके इस एक रिविजन क्लास से ही कम्प्लीट हो जाएंगे आईसीटी के, ठीक है? तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल मेंशन है। आप हिंदी नारी के नाम से हमको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो और वहाँ पे हमारे साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड हैं टेलीग्राम पे, आप भी हमको टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग क्विजेस भी करवाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम टेलीग्राम के ऊपर ही देते हैं। जो भी आपकी जनरल अफेयर से यानी कि करंट अफेयर से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ हम टेलीग्राम पे ही पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो आप हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारी आईसीटी की। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है आईसीटी का। तो आईसीटी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, बच्चों को इस आईसीटी की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है। काफ़ी सारे बच्चों को आईसीटी की फुल फॉर्म ही नहीं पता है। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपकी बेसिकली कंप्यूटर वाला चैप्टर है। हमने बचपन में हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर पढ़े होते हैं ना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो बस ये आपका कंप्यूटर वाला ही चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ कर दिया गया है क्योंकि ये नेट के लेवल का पेपर है। बाकी आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर ही आपको इस आईसीटी के चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है? अब आईसीटी के अंदर हमको पता है कि आजकल पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप अगर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ोगे यानी कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा कि आप जो फ़ोन यूज़ करते हो, जो आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हो, आपके आसपास में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो भी आपके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इलेक्ट्रिकली जो भी आपके है ना टूल्स हैं, वो आपके क्या है, वो कैसे काम करते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम माहिर एकदम मास्टर बन जाओ कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है नेट के अंदर, एक चैप्टर दिया हुआ है, तो जितना हम पास कर सकें इस चैप्टर को, जितने हमारे पांच क्वेश्चन सही हो सके, उतना तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं हमारा आईसीटी का चैप्टर। आईसीटी में बेसिकली क्या होता है, हमको कंप्यूटर के अंदर पढ़ना होता है। कंप्यूटर हम डेली चलाते ही हैं, ठीक है? कंप्यूटर में हमारे पास में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास में यूज़र होता है और डेटा होता है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, हमने सुने तो बहुत होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर का है हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। टेंजिबल यानी कि वो कंप्यूटर के पार्ट्स या फिर वो कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, ठीक है? तो हार्डवेयर आपके वो सभी चीजें होती है जो कि हार्ड होती है यानी कि जिसको हम है ना टच कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, ठीक है? आपका लैपटॉप हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपके हार्डवेयर है, आप इनको टच कर सकते हो, ठीक है? एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर का जस्ट ओपोजिट होता है, यानी कि हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही काफ़ी सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर हमारे टेंजिबल हो गए, सॉफ्टवेयर हमारे नॉन टेंजिबल हो गए, यानी कि हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है? एक हो गया हमारा यूज़र। यूज़र क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स आर नोन एज यूज़र्स, यानी कि वो लोग जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र हो गए। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं यूज़र हो गई, आप अगर कंप्यूटर को चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, आप यूज़र हो गए, ठीक है? तो जो इंसान कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो यूज़र कहलाता है। डेटा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि डेटा क्या होता है, सिंपल सा डेटा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये आपकी रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर जिसके ऊपर आप काम करते हो, वो आपका डेटा कहलाता है, ठीक है? तो आपके ये चार कंपोनेंट होते हैं, चार पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर एंड डेटा, ठीक है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशंस क्या होती है। जनरेशंस का क्या मतलब है भाई, जनरेशंस का ये मतलब है कि आज जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, सालों पहले
सेम टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। आज जिस तरीके से हम लैपटॉप कंप्यूटर्स चलाते हैं, आज जिस तरीके से हमारे पास में लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं, सालों पहले ऐसे सेम टेक्नोलॉजी यानी कि सेम तरीके के कंप्यूटर्स नहीं थे, सेम उनके अंदर मेमोरी डिवाइसेस नहीं थे, सेम उनके अंदर सर्किटरी नहीं थी, ठीक है। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे जैसे टाइम बदला है वैसे वैसे हर एक चीज़ के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो कंप्यूटर्स के अंदर भी परिवर्तन हुआ है। अब पहले से लेकर अभी तक क्या चेंजेस आए हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो सब कुछ हमको पढ़ना है। वो होती है कंप्यूटर की जनरेशंस, ठीक है। टोटल 5 जनरेशंस है, अभी हम 5th जनरेशन के अंदर चल रहे हैं। अभी 5वीं जनरेशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, इससे एक क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, इन 5वीं जनरेशन से ही। तो ये 5वीं जनरेशन क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहली जनरेशन है आपकी जो कि 1946 to 1959 के अराउंड होती है। अभी आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं है कि भाई 1946 से लेकर 1959 तक ही आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ये उसके आसपास का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मैम ये एकदम एग्जैक्ट फिक्स्ड डेट है, क्या फिक्स नहीं है, उसके आसपास का टाइम पीरियड है। सेकंड जनरेशन है आपकी 1959 to 65, फिर थर्ड जनरेशन हो गई आपके 1971, फोर्थ हो गए 1971 to 1980, और फिर फिफ्थ हो गए आपके 1980 के ऑनवर्ड्स, यानी कि 1980 के अभी तक में जो भी चल रहा है वो आपके फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। ये आपके 5वीं जनरेशन के मैंने आपको ऑलमोस्ट जो भी अराउंड के आसपास के जो भी ईयर्स है वो बता दिए हैं, आप इनको भी याद रख सकते हो, क्या पता एग्जाम में कब हमसे कैसा क्वेश्चन पूछ के आ जाए, ठीक है। तो आपको ये सालों को भी थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या है ना टूल्स वगैरह हुआ करते थे, फिर सेकंड जनरेशन में क्या हुए, और अब फिफ्थ जनरेशन में क्या है, वो सब हमको चेंजेस पढ़ने हैं कि भाई पहले के टाइम पे क्या थे कंप्यूटर्स के अंदर चीजें और अब क्या चीजें हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पीरियड बात करें तो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि 1940 से लेकर 1980s और उसके बियॉन्ड तक हमारी पूरी फर्स्ट टू फाइव जनरेशन जो है वो काम कर रही है, ठीक है। अब अगर हम सर्किटरी की बात करें, ठीक है, अगर हम सर्किटरी की बात करें तो आपकी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि काफी बड़ी बड़ी काफी ज्यादा बल्की हुआ करती थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो फिर हमने वैक्यूम ट्यूब को तो छोड़ दिया और वहां से फिर हम आ गए ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है भाई। थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमने वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स दोनों को ही छोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते थे, काफ़ी ज़्यादा भारी भारी हुआ करते थे, ठीक है, जिनकी वजह से कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही लार्ज बनते थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ट्रांजिस्टर्स को भी छोड़ दिया, अब हम ICs के ऊपर आ गए, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स के ऊपर आ गए, ठीक। फिर हमने क्या करा, फोर्थ जनरेशन में VLSI को इन्वेंट कर दिया, और फिफ्थ जनरेशन में हमने ULSI को इन्वेंट कर दिया, यानी कि VLSI क्या है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ULSI क्या है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब हम ULSI को यूज करते हैं, ये हमारी सर्किटरी है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स पे आए हम, थर्ड में IC चिप्स पे आए हम, फोर्थ में VLSI और फिफ्थ में ULSI, ठीक है। आपको ये सभी याद करने के पहले के जनरेशन में क्या थे और आज की जनरेशन में हम किस चीज को यूज करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक। अब अगर हम मेमोरी कैपेसिटी की बात करें कि भाई मेमोरी कितनी थी, स्टोरेज कितना था पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स के अंदर और आज के टाइम पे कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्टोर करने के लिए मेमोरी तो हमारे पास में होनी चाहिए ना, कैपेसिटी होनी चाहिए कंप्यूटर के पास में कि भाई वो कितनी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो मेमोरी तो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ 20 KB का आपको मेमोरी का स्टोरेज मिलता था, ओनली 20 KB का, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हम आए तो हमको मिला 128 KB का स्टोरेज, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में ओनली 1 MB का स्टोरेज हमको मिलता था, सिर्फ 1 MB का, ठीक है। लेकिन अब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में क्योंकि हम VLSI और ULSI जनरेशन में हैं, तो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा हाई कैपेसिटी है मेमोरी स्टोरेज की, यानी कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी अभी हमको मेमोरी मिलती है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जहाँ पे सिर्फ हमको 20 KB मिला करती थी, उसके कंपेरिजन में आज की जनरेशन के टाइम पर हमको कंप्यूटर्स के अंदर काफ़ी अच्छी खासी मेमोरी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी मेमोरी की कैपेसिटी हमारे पास में है कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोसेसिंग यूनिट्स की, प्रोसेसिंग स्पीड की, कि भाई उस टाइम पे प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी, कितनी स्पीड पे कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिया करता था और काम करता था, और आज के टाइम पे स्पीड कितनी है कंप्यूटर्स की, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा आपका चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कंप्यूटर जो है वो 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड पे काम करता था, यानी कि हम एक सेकेंड में कंप्यूटर को 300 इंस्ट्रक्शंस ही दे सकते थे, ठीक है भाई। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो वहां भी 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 300 इंस्ट्रक्शंस ही हम दे सकते थे, यानी कि 300-400 इंस्ट्रक्शंस पे ही कंप्यूटर जो है वो काम कर सकता था।
ठीक है। अब अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हम 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड दे सकते हैं कंप्यूटर को, यानी कि जहां हम कंप्यूटर को सिर्फ 1 सेकंड में 300 इंस्ट्रक्शंस ही दे सकते थे, वहां पे थर्ड जनरेशन में आपको कितना बड़ा गैप देखने को मिला, हम 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है। और आज के टाइम पे तो काफी ज्यादा फास्ट और वेरी फास्ट हमारी प्रोसेसिंग स्पीड हो गई है कंप्यूटर की, तो जहां पे सिर्फ 300 इंस्ट्रक्शंस थे पर सेकंड, वहां पे अब आपको काफी ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड देखने को मिलती है कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि भाई पहले हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करा करते थे और अब कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपकी मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ करता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में आपकी फोर्ट्रॉन, कोबॉल, एल्गोल, ये आपके लैंग्वेजेस के नाम है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपके सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस है। आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ट्रॉन, कोबॉल जो है वो कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हम आए सी और सी प्लस प्लस के ऊपर आए। फोर्थ जनरेशन में हमने सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज का यूज करा, और आज के टाइम पे तो हम 0-1 बाइनरी लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, आज के टाइम पे हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। यानी कि पहले के टाइम पे हम मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझा करते थे, ठीक है। लेकिन आज आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिख लो, पंजाबी, आपकी जो लैंग्वेज आती है आप उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपकी लैंग्वेज को समझ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स बताऊं कि भाई पहले कौन कौन से कंप्यूटर्स थे और आज क्या क्या कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई है, तो यूनिवैक, एडवैक, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं कि भाई यूनिवैक और एडवैक कौन सी जनरेशन से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन से हैं, ठीक है। फिर आपके सेकंड की मैं बात करूं तो यहां भी आपके यूनिवैक, i1108, ये सब आपके सेकंड जनरेशन के हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में अगर हम बात करें तो IBM 360 सीरीज, ये आपकी थर्ड जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन में हमको मल्टीमीडिया देखने को मिलता है कंप्यूटर्स के अंदर, और अभी वाली जनरेशन में यानी कि फिफ्थ जनरेशन में तो रोबोटिक्स आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस आ चुके हैं, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पांचों जनरेशन, इनमें चेंजेस हुए फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक, क्या इनकी मेमोरी कैपेसिटी थी, क्या इनकी सर्किटरी में चेंजेस आए हैं, क्या इनकी प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर चेंजेस आए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एग्जांपल, ये मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इन सभी को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी पांचों जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंदी में भी पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में हमने स्टार्टिंग करी थी इंट्रोडक्शन से, कंप्यूटर में हमारे पास में हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उपयोगकर्ता यानी कि आपके यूजर होते हैं जो यूज करते हैं कंप्यूटर को, और डेटा होता है यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर आप काम करते हो कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। फिर हमने देखी कि कंप्यूटर्स की कुछ जनरेशन यानी कि कुछ पीढ़ियां होती है कंप्यूटर्स की भी, फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन की हमने पूरी टाइमलाइन देखी कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 टू 59 तक होती है, सेकंड 59 टू 65 है, फिर थर्ड है आपकी 65 टू 71, फोर्थ है 71 टू 80, और फिर अबव 80 है आपकी फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी चल रही है, ठीक है। ये सब कुछ हमने देख लिया है अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन के बेसिस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि साइज के बेसिस पे कंप्यूटर्स कैसे कैसे होते हैं वो हम देखेंगे इन दोनों कंपोनेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनिंग के बेसिस पे आपके कितने कंप्यूटर्स होते हैं। फंक्शन के बेसिस पे हैं हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और एक है हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दे टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आपके सिग्नल्स के फॉर्म में इनपुट लेते हैं। इनको हमको है ना कोई भी अगर इनपुट देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सिग्नल देना होगा, तब ये सिग्नल के फॉर्म में इनपुट ले पाते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर आर हाई स्पीड कंप्यूटर जो कि डिजिट्स के फॉर्म में सिग्नल लेते हैं, ठीक है। दीज कॉम्पोनेंट्स टेक द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, और इसको फिर ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये डिजिट के फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में अपना इनपुट लेते हैं और फिर इसको बाइनरी के अंदर यानी कि 0-1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है। और फिर तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड यानी कि जो कि मिक्सचर है आपका डिजिटल कंप्यूटर्स का और आपका एनालॉग कंप्यूटर्स का। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, वो सिग्नल्स के फॉर्म में इनपुट लेता है, तो इसको हम सिग्नल्स भी दे सकते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, वो आपके डिजिट्स के फॉर्म में और अल्फ़ाबेट के फॉर्म के अंदर इनपुट लेता है, तो इसको हम डिजिट या फिर अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो आपका मिक्सचर होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। ये तीनों टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के बेसिस पे हमारे पास में कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। साइज के बेसिस पे हमारे पास में होते हैं सुपर कंप्यूटर, फिर आता है हमारे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर और फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। अब ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि पहले के ज़माने में कंप्यूटर्स और आज के ज़माने के कंप्यूटर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। पहले के ज़माने के कंप्यूटर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे कि आपके पूरे एक कमरे के अंदर आपका सिर्फ एक कंप्यूटर आता था, इतने बड़े इतने भारी हुआ करते थे, ठीक है। आज तो इतना सा आपके हाथ में इतना सा छोटा सा मोबाइल फ़ोन ही पूरा कंप्यूटर के जैसा काम, यानी कि आपका एक हाथ के अंदर आपका कम है ना मोबाइल फोन आ सकता है। लेकिन पहले के जमाने में एक पूरा बड़ा रूम लगता था, एक बड़ा हॉल लगता था पूरे एक कंप्यूटर के लिए, यानी कि इतनी बड़ी जगह लेता था, काफी ज्यादा उसके अंदर है ना वो भारी होता था, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी कम होती थी, मेमोरी की कैपेसिटी है वो भी कम होती थी, वो हम अभी देख चुके हैं जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हम ये इनको पढ़ते हैं कि भाई साइजेस के बेसिस पे कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो बिगेस्ट इन साइज, यानी कि साइज में काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, बल्कि हुआ करते थे, पूरे एक कमरे के अंदर आपका सिर्फ एक कंप्यूटर आता था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी ये कम है ना, एक सेकंड में कुछ ही इंस्ट्रक्शंस ये ले पाते थे और काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ के होते थे, ठीक है। इनको हम जनरल, जैसे आज हम हमारे घर के अंदर छोटा सा लैपटॉप छोटा सा कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं ना, वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं हो सकते थे, उनको हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के किसी यूज़ के लिए ही, गवर्नमेंट के किसी काम के लिए ही यूज़ कर सकते थे। ऐसे पर्सनल यूज़ के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स को काम में नहीं ले सकते थे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सबसे पहले हमारा सुपर कंप्यूटर आया भाई, काफ़ी बड़े काफ़ी भारी, ठीक है। फिर हमने सोचा भाई इतने भारी इतने बड़े कंप्यूटर्स थोड़ी ना चल सकते हैं, अब वो हमारी स्टार्टिंग थी, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को हम शुरू करेंगे और उसके बाद में जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तो उसके बीच में हमको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन में हमारा जस्ट पहला ही कदम था, तो उस टाइम पर कंप्यूटर्स की हमको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए पहली कोई भी चीज़ आप शुरू करोगे तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती है, उसके बाद में जो आप बन जाओगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो, ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर थे वो ये समझ लो कि भाई हमारा पहला ही कंप्यूटर था उस टाइम पे, ठीक है। पहले तरीके का ही हमने कंप्यूटर बनाना जस्ट शुरू ही किया था, तो हमको इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर हम क्या करा, हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर आए हम। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने जब बनाना शुरू करा तो अब हमने एक बार सुपर कंप्यूटर बना लिया था, अब हमको पता चल गया भाई हम अगर इस चीज को ऐसे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, इसको अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इस चीज को लगाते हैं कंप्यूटर में तो ये काफी ज्यादा भारी हो जाती है, काफी ज्यादा है ना स्पेस लेती है, इसलिए हमको इस चीज को ऐसे टुकड़ों में बांट के लगाना है ताकि वो कम स्पेस ले, ठीक है। तो ये सारे हमने चेंजेस करके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा हल्का बनाना शुरू कर दिया, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा बनाना शुरू कर दिया। अभी भी इतने छोटे इतने है ना आपके है ना क्या बोलते हैं इजी नहीं हो गए कि आप उसको पर्सनल यूज के लिए काम में ले सको, लेकिन फिर भी सुपर कंप्यूटर से तो थोड़े से ही छोटे साइज में हुआ करते थे, उनसे थोड़े से कम एक्सपेंसिव हुआ करते थे और सुपर कंप्यूटर से थोड़े से कम भारी हुआ करते थे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम यूज़ करते थे, ये भी हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के यूज़ के लिए ही, गवर्नमेंट के काम के लिए ही यूज़ करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को भी, ठीक है। फिर आती है जैसे कि अगर हमको कुछ भी ना हॉस्पिटल्स के अंदर काम होता था या फिर एयर रिजर्वेशन हमको होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर हमको रिजर्वेशन करनी है हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे ही हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करा करते थे, पर्सनल यूज़ के लिए हम इसको काम में नहीं ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये है तो भारी ही है, तो बड़े बड़े ही, ठीक है। फिर आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स, यानी कि अब ये सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से और छोटे हो गए और है ना कम एक्सपेंसिव हो गए और ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी वाले हो गए और थोड़ी ज़्यादा अच्छी इनके अंदर फैसिलिटी आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये हम स्मॉल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो कि आपके पर्सनल कॉलेज स्कूल वगैरह के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। और फिर आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा है ना हैंडी हो गए हैं, हम इनको हमारे पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चार तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, हिंदी में भी है। कंप्यूटर के हमने प्रकार देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, यानी कि उनके फंक्शन के बेसिस पे और उनके साइज के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे आपका एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर हमने देखे साइज के है ना फॉर्म में, साइज के बेसिस पे हमने कंप्यूटर्स देखे, सुपर कंप्यूटर, फिर हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर हमने देखा मिनी कंप्यूटर, और फिर हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे पूरी पीडीएफ आपको हिंदी में दी हुई है, पूरी है ना पेज यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको हिंदी में दिख जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये काफ़ी इजी लगता है देखने में तो, लेकिन आजकल थोड़े ऐसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के आपको नाम दे दिए जाते हैं जो कि थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इनपुट है या फिर आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस तो वैसे ईजी है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर यूजर जो है वो कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है जो कि कंप्यूटर के इनपुट जाता है, यानी कि कंप्यूटर को जब यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो कि कंप्यूटर के अंदर जा रहा है वो होता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर से हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। इनपुट देना यानी कि अंदर जाना, ठीक है, और आउटपुट यानी कि बाहर आना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो होता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और ऐसे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से बाहर हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस में है आपका कैमरा है, ठीक है, फिर आपका टच स्क्रीन है, हम टच करते हैं तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके अंदर गया है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, ट्रैक बॉल हो गई, ठीक है, माइक्रोफोन हो गए, स्कैनर हो गए, जॉयस्टिक हो गई, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। और भी काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको जो भी इनपुट डिवाइस दिखते हैं आप सबको पढ़ लेना एक बार ताकि आपको आइडिया मिल जाए भी कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस वो सभी डिवाइसेस जो कि हमको आउटपुट देते हैं, ठीक है। अब इसमें हो गया आपका एग्जाम्पल जैसे कि वेबकैम हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करके बाहर निकालता है ना इन्फॉर्मेशन को, तो जो हमको आउटपुट दे रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस हो गए, और जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। आपका वेबकैम हो गया, आपका स्पीकर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर हो गए, हेडफोन्स हो गए, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपको जो भी जितने भी एग्जांपल दिखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के आप सबको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है? आजकल आपसे एक है ना क्वेश्चन पूछने लगे हैं एक टर्म के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, एक होता है आपका इंट्रानेट के ऊपर, ठीक है। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, और एक होता है आपका एक्स्ट्रानेट। अब ये कौन सी टर्म्स है? ये अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन मतलब थोड़े बहुत सिमिलर ही हैं इनके, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट आपका वर्ल्ड वाइड है, यानी कि इंटरनेट को पूरी दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है भाई। ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में इसको कोई भी इंसान कहीं पर भी बैठा हुआ इसको यूज़ कर सकता है, वो है आपका इंटरनेट। इंट्रानेट, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो कि सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही उसको यूज़ कर सकती है। भाई इंटरनेट तो ऐसा नेटवर्क है जिसको दुनिया के अंदर कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट जो है वो एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। सपोज हमारी हिंदी नारी का एक कोई इंटरनेट, एक कोई है ना नेटवर्क है जिसको सिर्फ हम लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास में ही उसका पासवर्ड है, ठीक है, वो होता है इंटरनेट जो कि एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब एक होता है आपके पास में एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? हम लोगों के पास में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेटवर्क जो है वो सिर्फ हमारे ही पास में है, हमारे ही पास में उसका पासवर्ड है,
हम ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भी कोई बाहर का इंसान है वो भी हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क वो भी यूज़ कर सके, ठीक है। तो है तो वो हम बाहर का इंसान, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको हमारा नेटवर्क दे रहे हैं, तो वो हमारा भी नेटवर्क का अब वो भी यूज़ कर सकता है। जो बाहर का इंसान है वो अब हमारे नेटवर्क का भी यूज़ कर सकता है, तो वो होता है एक्स्ट्रा नेट। यानी कि कोई बाहर का इंसान अगर किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को यूज़ करता है, प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करता है, तो वो होता है आपका एक्स्ट्रा नेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क, और इंटरनेट जो कि वर्ल्ड वाइड होता है, जो कि कोई भी कभी भी यूज कर सकता है इस नेटवर्क को, ठीक है। ये तीनों टर्म्स की आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट से, आपके स्टेटमेंट वाले यानी कि व्याख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे गए हैं। आपको कंसेप्ट पता होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज फिर वो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों छोटी छोटी सी टर्म्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारी एक आती है, दो और टर्म्स आती है हमारी, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मैक एड्रेस होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या होता है? हमारे घर का एड्रेस होता है ना, भाई हमारा पता होता है हम कहाँ पे रहते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही सेव होता है, वो उसका परमानेंट एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का अपना अपना परमानेंट एड्रेस होता है, वो होता है मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। वो परमानेंट होता है, जो उस कंप्यूटर के अंदर और है ना आपके आता ही है, ठीक है। आपके भी कंप्यूटर का कुछ ना कुछ परमानेंट एड्रेस होगा, आप देख सकते हो। एक होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? ये आपका लॉजिकल होता है, ये आपका परमानेंट नहीं होता है, ये आपका टेम्पररी यानी कि लॉजिकल होता है। आप जब भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे, आप जब भी किसी के वाईफाई से या किसी भी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे, तब आपका जो कंप्यूटर है उसका एड्रेस बदल जाएगा। आप अभी किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आप दो दिन बाद में किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस है वो आपका टेम्पररी एड्रेस होता है, जो कि 32 बिट्स का होता है, ठीक है। अभी हमारे पास में है आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 को अभी हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या है? ये आपका परमानेंट एड्रेस है। आप चाहे किसी भी कहना नेटवर्क से जुड़े हुए हो, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो आपके नेटवर्क का एड्रेस होता है, कि आप कब कौन से नेटवर्क से जुड़े हुए हो। आप जब भी जिस नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे, ये ऑटोमेटिकली ही अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है, ठीक है। ये आपके दो कंसेप्ट है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है, आपका मैक पता है, ठीक है। और इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारी दो मॉडल्स आते हैं, ओएसआई मॉडल और एक होता है टीसीपी मॉडल, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई, यानी कि ओएसआई मॉडल क्या होता है आपका? ये आपका रेफरेंस मॉडल्स होते हैं। अब हम कोई भी मैसेज भेजते हैं, सपोज मैंने आपको कुछ भी मैसेज भेजा या फिर आपने मेरे को कोई भी मैसेज भेजा, तो वो हमको तो दिखता है कि भाई मैंने भेजा हाय और सामने वाले के पास में कंप्यूटर में फोन में चला गया हाय। हमको तो सिर्फ इतना सा ही सिंपल तरीका दिखता है, लेकिन जितना सिंपल हमको दिखता है ये तरीका उतना सिंपल होता नहीं है, ठीक है। मैंने हाय भेजा, अब हाय भेजने के बाद में कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमको पता ही नहीं होती है। तो ये वो मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हमारे मैसेज जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने में क्या क्या चीजें करते हैं, उसके ये मॉडल है, ठीक है। अब हमारा जो एक मैसेज होता है, मैंने किसी को हाय भेजा, ठीक है। अब मैंने किसी को ये हाय भेजा है, ये हाय ऐसा का ऐसा ही उसके कंप्यूटर में नहीं जाएगा, यानी कि सामने वाले को दिखेगा तो हाय, ठीक है। मैंने यहां से, मैं हूं सेंडर और ये है आपका मेरा रिसीवर जिसको मैंने हाय भेजा है। अब मैंने यहां से भेजा हाय और ये यहां तक हाय पहुंच गया, लेकिन इस बीच में जो प्रक्रिया पूरी चली है, जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये क्या करेगा? आपके जो ये मैसेज है इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा और छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर बांटने के बाद में ये काफी सारी लेयर्स से होके आपका जो मैसेज है वो इन सभी लेयर्स से, यानी कि फिजिकल लेयर, आपकी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इतनी सारी लेयर्स से होके आपके मैसेज को जाना पड़ता है, यानी कि इतनी सारी अग्नि परीक्षाएं उसको देनी होती है, ठीक है। फिर ये हाय जो है वो यहां से लेकर सेंडर से लेकर आपके रिसीवर तक अच्छे से पहुंच पाता है, ठीक है। तो अब ये पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट होते हैं कि आपके मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। आपका कोई भी मैसेज है, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाता है और फिर वो अलग अलग लेयर्स के अंदर से होकर निकलता है, तो उसको ही हम पैकेट बोलते हैं, ठीक है।
अब ये कौन कौन से लेयर है और इन लेयर के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, OSI मॉडल में आपकी टोटल 7 लेयर्स होती है, लेकिन TCP मॉडल के अंदर आपके 5 लेयर्स ही होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपकी एक है इंटरवर्क है ना, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, एक है आपकी इंटरनेट लेयर, एक है ट्रांसपोर्ट लेयर और एक है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 7 लेयर दिखेगी, यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 ही दिखेगी आपको, कभी कभी 4 दिखेगी, कभी कभी 5 दिखेगी, ठीक है। अब ये लेयर्स का क्या काम है और मैसेज इनसे कैसे होकर निकलता है वो आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है आपका फिजिकल लिंक लेयर। फिजिकल लिंक लेयर में क्या होता है, यहाँ पे आपके केबल्स लगी हुई होती है, केबल लगी हुई होती है। भाई मैंने आपको कोई भी मैसेज भेजा, अब वो जो भी आपका तार जुड़ा हुआ है ना कंप्यूटर से, वो आपकी केबल है। अब तार के अंदर जो मैसेज जाएगा वो तो हाई के फॉर्म में जाएगा नहीं, वो तो वहां पे सिग्नल के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये जो केबल जुड़ी हुई होती है कंप्यूटर से, वो होती है आपकी सबसे पहली लेयर, जो कि आपकी फिजिकल लिंक लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लिंक लेयर, यहाँ पे आपका ईथरनेट होता है, जहाँ पे आपका जो नेट आपका जो कंप्यूटर है वो आपके ईथरनेट केबल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर आती है आपकी सेकंड डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, यहाँ पे आपका मैक एड्रेस होता है, यानी कि आपने कौन से एड्रेस पे मैक एड्रेस, अभी मैंने आपको बताया ना मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, आपने कौन से कंप्यूटर पे आपका जो मैसेज है वो भेजा है, वो मैक एड्रेस आपका फाइंड किया जाता है डेटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस फाइंड किया जाता है, यहाँ पे आपका आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 को हम यूज करते हैं, यहाँ पे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देखा जाता है नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP प्रोटोकॉल एंड UDP प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, आपके मैसेज को जो आपने एड्रेस दिया है, जो आपने मैक एड्रेस बताया है, आपने आईपी एड्रेस बताया है, उस एड्रेस पे भेजने का, यानी कि आपके घर पे अगर कहीं से भी कोई भी पार्सल आता है तो वो ट्रांसपोर्ट होता है। भाई हमको ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करना है, वो पार्सल को कहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। फिर आती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपने कुछ भी ऑनलाइन मंगाया होगा सामान, तो आपको ऑनलाइन पूरा का पूरा एक सेशन देखने को मिलता है। सेशन क्या होता है, भाई यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो है वो शिप हो चुका है, ठीक है, शिपिंग हो चुकी है प्रोडक्ट की, अब वो यहाँ पे पहुंचा है, फिर वो यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है, आपके एरिया में पहुंच गया है और डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंचा दिया है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेशन होता है आपके किसी भी चीज का, किसी भी पार्सल का आपके घर तक जो भी डिलीवरी होती है, ये पूरा का पूरा सेशन होता है, ठीक है। वैसे ही सेशन लेयर में क्या होता है, जो आपका मैसेज है वो कहाँ कहाँ पे पहुंचा है, वो पूरा एक सेशन जब कंप्लीट होता है तो उसको हम सेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका सेशन लेयर के अंदर। फिर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, अब फिजिकल लिंक लेयर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे केबल से हमारा जो मैसेज है वो केबल के थ्रू कहाँ पे गया है ना, दूसरे कंप्यूटर में हमने भेजा है, यानी कि दूसरे नेटवर्क, दूसरे है ना डिवाइस के अंदर हमने हमारे मैसेज को सेंड करा है, तो वो हाई के फॉर्म में तो नहीं जाएगा, वो सिग्नल के फॉर्म में जाएगा, लेकिन दूसरे के पास में आपने जो मैसेज भेजा है वो तो हाई के फॉर्म में दिखता है, वो थोड़ा ना कुछ सिग्नल के फॉर्म में 0-1 के फॉर्म के अंदर दिखता है। तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, आपके जो मैसेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है दूसरे के डिवाइस के अंदर, उसका काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि मैंने अगर हाई भेजा है तो ये हाई सिग्नल के फॉर्म में होके इन सारी लेयर से निकलता है और फिर प्रेजेंटेशन लेयर में वापस से ये आके हाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो मेरा सिग्नल है वो वापस से हाई के अंदर आके कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब ये प्रेजेंटेशन लेयर ये दिखाती है कि सामने वाले के डिवाइस में मेरे को मैसेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर आती है लास्ट में आपकी एप्लीकेशन लेयर, यानी कि कौन से ऐप में जो आपका मैसेज आता है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। अब आपका मैसेज जो है वो आप तक पहुंच चुका है, आपका पार्सल आप तक सही सलामत पहुंचा दिया है मैंने, ठीक है। तो आपका फिजिकल लिंक लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लिंक लेयर, फिर आपका है ना ट्रांसपोर्टेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ये सभी आपके OSI मॉडल की लेयर्स होती है, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। फिजिकल लिंक लेयर में क्या है, यहाँ पे आपके केबल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये लेयर आपके केबल से जुड़ी हुई है, जहाँ पे आपका मैसेज जो है वो आपके सिग्नल्स के थ्रू होकर जाएगा, ठीक है, ये आपका पहली लेयर हो गई। फिर मैसेज आता है आपका डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर क्या है, जहाँ पे आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस दिया जाता है, ये मैक एड्रेस को फाइंड करता है, भाई कौन से एड्रेस पे मेरे को भेजना है, मेरे को मेरा मैसेज जो है, कोई मेरा पार्सल है, वो कौन से पते के ऊपर भेजना है, एड्रेस तो होना चाहिए ना, वो होती है आपकी डेटा लिंक लेयर, ठीक है, जो कि मैक एड्रेस पे काम करती है। फिर आती है आपकी नेटवर्क लिंक लेयर, ये क्या करती है, ये TCP, ये है ना आपकी
इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका है ना ढूंढती है, यानी कि आपका आईपी एड्रेस फाइंड करती है भाई कौन से नेटवर्क पे मेरे को एड्रेस भेजना है, मेरे को मेरा जो भी पार्सल है जो भी मैसेज है वो कौन से एड्रेस पे भेजना है, कौन से आईपी एड्रेस पे भेजना है वो देखती है आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेयर, आपकी टीसीपी मॉडल होता है और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, ये आपके क्या करता है मैसेज को पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ये वाली लेयर। फिर सेशन लेयर, जो आपका एक पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट होता है कि मैसेज आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, ये जो पूरा सेशन है उसका काम करती है आपकी सेशन लेयर। फिर प्रेजेंटेशन लेयर के भी आपका मैसेज जो है वो दूसरे के डिवाइस में किस तरीके से प्रेजेंट होगा, किस तरीके से दिखेगा, हाय मैंने आपको भेजा लेकिन वो काफी सारे पैकेट्स में होकर गया है और पैकेट में जो हाय है वो हाय के फॉर्म में नहीं है, उसके साथ में पता नहीं क्या क्या हुआ है, यानी कि उसको पता नहीं किस किस तरीके से उसको मोड़ा तोड़ा गया है इतनी सारी लेयर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन आपके पास में हाय जाता है सही सलामत टिप टॉप होके, तो वो जो हाय है वो दूसरे के कंप्यूटर में किस तरीके से प्रेजेंट होगा वो दिखाती है प्रेजेंटेशन लेयर। और फिर आपका मैसेज जो है, जो मैंने मैसेज भेजा है वो आपके एप्लीकेशन तक पहुंच चुका है, तो वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इतना सिंपल है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सारी की सारी आपकी ओएसआई मॉडल के आपकी लेयर्स है, इनके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो होकर निकलता है। अभी तक हमको पता ही नहीं था कि भाई जो मैं आपको हाय भेज रही हूं, हमको लगता था कि मैंने हाय भेजा है दूसरे वाले के फोन में, तुरंत हाय जो है वो पहुंच भी गया है, लेकिन उस तुरंत के बीच में जो ये पूरा का पूरा कारनामा होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये इतनी सारी लेयर से होकर जाता है हमारा बेचारा मैसेज। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओएसआई मॉडल सबसे पहली है हमारी भौतिक यानी कि फिजिकल लिंक लेयर, फिर है आपकी है ना फिजिकल लिंक लेयर के बाद में आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, फिर है आपका नेटवर्क लेयर, फिर है आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, फिर है आपका सत्र यानी कि पूरा का पूरा जो सेशन होता है वो, फिर है प्रस्तुति यानी कि आपका प्रेजेंटेशन लेयर क्योंकि मैसेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है दूसरे के डिवाइस में, और फिर है आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये है आपका ओएसआई मॉडल और ये है आपका टीसीपी आईपी मॉडल, जिसके 5 लेयर्स होती है। ठीक है, ये आपका आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ मैसेज डिलीवरी। अब हम मैसेज को डिलीवर कैसे करते हैं, तो उसके कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है और मल्टीकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट, वन डिवाइस सेंड मैसेज टू द अदर टू इट्स एड्रेस, यानी कि जब एक डिवाइस में हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, एक डिवाइस से यानी कि सिंगल डिवाइस के बीच में कोई भी मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है वो होता है यूनिकास्ट। यूनिक का मतलब वन। ठीक है, ब्रॉडकास्ट यानी कि वन डिवाइस सेंड मैसेज टू ऑल अदर डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क, द मैसेज इज सेंड टू एन एड्रेस रिजर्व्ड फॉर दिस गोल। यानी कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैंने मेरा मैसेज सबको ही भेज दिया है। वन डिवाइस सेंड मैसेज टू ऑल अदर डिवाइसेज, जितने भी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं नेटवर्क से मैंने सबको मैसेज भेज दिया है। ठीक है, मल्टीकास्ट क्या होता है, वन डिवाइस सेंड मैसेज टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ डिवाइसेज, मैंने सबको मैसेज नहीं भेजा है लेकिन कुछ डिवाइसेस को ही मैसेज भेजा है। अब इसका एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ये पूरा कंसेप्ट। हमारे फोन में व्हाट्सएप होता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ हर्षिता और मेरी कोई फ्रेंड है एक्स, मेरे को उसको हाय भेजना है, तो ये क्या हो गया, ये यूनिकास्ट हो गया, ये वन डिवाइस टू है ना, यानी कि एक डिवाइस के बीच में, दो डिवाइस के बीच में ही आदान प्रदान हो रहा है, वन डिवाइस टू वन डिवाइस के बीच में ही आपका मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट में क्या करूंगी, मेरे व्हाट्सएप पे अगर 50 लोग मुझसे कनेक्टेड हैं तो मैंने पूरे के पूरे 50 लोगों को सिलेक्ट करके वो मैसेज, हाय का मैसेज या फिर हैप्पी दिवाली का मैसेज, हैप्पी होली का मैसेज हमारे पास में आते रहते हैं ना, हमारे काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप हमारे पास में डेली सुबह होते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, रात होते ही गुड नाइट का मैसेज आता है, हाथ जोड़ के फूल वगैरह, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स के अंदर, फैमिली ग्रुप्स के अंदर स्पेशली भेजते रहते हैं, जो बूढ़े बड़े जो होते हैं वो स्पेशली भेजते रहते हैं। तो ब्रॉडकास्ट क्या है, मेरे को मेरा कोई भी मैसेज जो है वो जितने भी मेरे व्हाट्सएप पे लोग हैं, 50 के 50 लोगों को मेरे को सुबह रोज उठ के गुड मॉर्निंग बोलना है, तो मैं रोज उठ के उनको फूल भरा गुलदस्ता भेज देती हूँ गुड मॉर्निंग के साथ में। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्रॉडकास्ट। लेकिन मल्टीकास्ट क्या है, कोई सीक्रेट बात है जो मेरे को सिर्फ मेरे 5 दोस्तों को ही बतानी है, इन सभी 50 को नहीं बतानी है और ना ही सिर्फ इस एक को बतानी है लेकिन मेरे को अपने 5 दोस्तों को बतानी है। ये हो गया मल्टीकास्ट, जहां पे सबको नहीं बतानी है लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बतानी है। तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी भाई 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं जिसको मेरे को अपना मैसेज भेजना है, वो होता है मल्टीकास्ट। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स आपसे है ना एग्जाम, आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर दिए होते हैं कि भाई यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, वहां पे बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं तो फिर है ना एग्जाम के अंदर जब ऑप्शन देखते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपसे हो सकता है डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ना आए लेकिन एग्जाम आपके है ना ऑप्शन के अंदर इन सभी टर्म्स को यूज किया जा सकता है एनटी द्वारा। तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या टर्म्स होती है, उनके सिंपली मतलब क्या होते हैं, सिर्फ आपको इतना सा ही पढ़ना होता है। ठीक है,
अब हमको ये तो समझ में आ गया भी मैसेज की डिलीवरी किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के कितने तरीके होते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क के हमारे पास में है लैन, मैन और वैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लैन क्या है? इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क टिपिकली इंटरकनेक्टेड होस्ट दैट आर अप टू अ फ्यू और मे बी अ फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। यानी कि लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ कुछ एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपके एरिया तक ही सीमित है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग तक ही सीमित है। आपकी एक बिल्डिंग है, सिर्फ आपकी बिल्डिंग में ही वो नेटवर्क चलेगा, वो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टिपिकली इंटरकनेक्ट्स डिवाइस दैट आर अप टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। यानी कि ऐसा नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन जो कि आपके एरिया से थोड़ा सा और ज्यादा है ना वास्ट एरिया को कवर करता है। यानी कि लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बिल्डिंग तक ही है ना कनेक्टेड रह सकता है, आपकी बिल्डिंग तक ही नेटवर्क जो है वो पकड़ सकता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो आपकी पूरी की पूरी लोकेशन, पूरी की पूरी सिटी तक ये नेटवर्क जो है वो पकड़ सकता है, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्ट होस्ट दैट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द अर्थ। यानी कि धरती पे किसी भी कोने में कोई भी इंसान है वो उस नेटवर्क को यूज कर सकता है, वो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन क्या है? कुछ फ्यू किलोमीटर्स तक ही पकड़ सकता है। मैन क्या है? कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक ही पकड़ सकता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? आप धरती पे किसी भी कोने में छुप जाओ, इससे नहीं बच सकते हो। यानी कि वैन को कोई भी धरती पे कहीं पे भी छुपा हुआ है वो इस नेटवर्क का यूज कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। ये तीनों तरीके के आपको नेटवर्क पता होने चाहिए। लैंड, मैन और वैन क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका और भी एक्सप्लेन में दिया हुआ है लैन क्या है, मैन क्या है और वैन क्या है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। हम संदेश को किस तरीके से उसका वितरण कर सकते हैं, यूनिकास्ट हो गया, फिर आपका है ना ब्रॉडकास्ट हो गया प्रसारण, और फिर आपका मल्टीकास्ट हो गया। यूनिकास्ट एक डिवाइस से दूसरे की तरफ जब हम मैसेज भेजते हैं, फिर आपका प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्ट क्या हो गया, जब हम एक डिवाइस नेटवर्क पर अन्य सभी डिवाइस को संदेश भेज देते हैं, यानी कि सबको मैंने मैसेज भेज दिया। और मल्टीकास्ट क्या हो गया, एक डिवाइस नेटवर्क पर डिवाइसों के एक निश्चित समूह को संदेश भेजते हैं, यानी कि सबको नहीं भेजा लेकिन कुछ लोगों को सिलेक्ट करके मैसेज भेजा है, वो हो गया आपका मल्टीकास्ट, ठीक है। फिर आपका नेटवर्क के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हमने देख लिया लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और आपका है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी तक ही रहता है, कुछ किलोमीटर की दूरी तक ही पकड़ता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो कुछ 100 किलोमीटर तक की दूरी तक पकड़ लेता है नेटवर्क, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना क्या करता है, पृथ्वी पर कहीं भी किसी पे भी किसी भी स्थिति में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पृथ्वी पे आप किसी भी है ना स्थान पे अगर आप हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में आपके कुछ टर्म्स, आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, यानी कि आपके कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। आपके हर बार एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन यानी कि दो नंबर, ठीक है। फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए भाई कौन सी है ना जो आपकी शॉर्ट फॉर्म है उसकी क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आपके जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही लर्न करनी है, ठीक है। फुल फॉर्म्स अगर आप हिंदी में लर्न करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में ही लर्न करना है, ठीक है। अब आपका डोमेन नेम से हम स्टार्टिंग करते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? इट इज द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट साइट, ठीक है। हर एक इंटरनेट साइट का कुछ ना कुछ यूनिक नेम होता है, किसी का .com हो गया, किसी का .edu हो गया, किसी का .mil हो गया, ठीक है। तो हर एक इंटरनेट साइट का एक यूनिक नाम होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये होता है आपका डोमेन नेम, ठीक है। जैसे कि आपका .org होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .net होता है आपका नेटवर्क के लिए, .edu होता है आपका एजुकेशन के लिए, .mil होता है आपका मिलिट्री के लिए, .gov होता है गवर्नमेंट के लिए, .com होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये सभी आपके डोमेन नेम होते हैं जो कि एक इंटरनेट साइट का क्या होता है, इंटरनेट साइट का एक यूनिक नेम होता है जिससे हम उस साइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फुल फॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे आपको काफी सारी फुल फॉर्म्स दी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे आपकी ये इतनी सारी फुल फॉर्म्स दी हुई है, आपको सभी फुल फॉर्म्स को लर्न करना है।
ठीक है, सबसे पहली है आपकी HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर है आपकी IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर है आपका SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। फिर है आपका TCP। TCP प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। फिर आपका TFTP क्या है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपके ईमेल्स के लिए यूज होता है। फिर आपका SGML क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका आप है ना PYQ वाली है फुल फॉर्म, इससे आपसे एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ACPI क्या होती है? एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। ANSI क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। CGA क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन। CSS क्या है? कैस्कार्डिंग स्टाइल शीट, ये भी आपका PYQ है। DOS क्या है? आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। UPS क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ASR क्या है? असिस्टेड स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर आपके BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी आपका PYQ है। OCR और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी आपका PYQ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने सारे PYQ मैंने इसके अंदर ही आपके ऐड करे हैं। तो जितने भी PYQ के आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलती है, आपको भी उसको अपने नोट्स के अंदर एड ऑन कर लेना है। ठीक है, फिर है आपका WAP यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। VR क्या है? वर्चुअल रियलिटी। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर VLE क्या है? वर्चुअल लैंग्वेज एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सभी आपके फुल फॉर्म से आपको पता होनी चाहिए, इनसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है। TCP मॉडल क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। TCP मॉडल एंड OSI मॉडल क्या होता है, पूरी इसकी लेयर्स भी मैंने आपको समझा दी है। IP एड्रेस क्या है और MAC एड्रेस क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। IP एड्रेस क्या होता है? आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क आप जब भी जिस नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे आपका एड्रेस जो है वो चेंज होता रहेगा। तो IP एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है। लेकिन MAC एड्रेस क्या है? ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो कि क्या होता है? आपका परमानेंट होता है। हर एक कंप्यूटर का आपका एक परमानेंट एड्रेस होता है, जिसको हम MAC एड्रेस कहते हैं। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, फिर आपके राउटर्स क्या होते हैं? इट इज नेटवर्क डिवाइस विद इंटरफेस इन मल्टीपल नेटवर्क हुज टास्क इज टू कॉपी पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनादर। यानी कि राउटर क्या करते हैं, पैकेट को एक डिवाइस से अनादर नेटवर्क तक, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉपी करने का काम करते हैं राउटर। यानी कि जो आपका मैसेज है, जो आपके है ना छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, उस एक पैकेट को क्या करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉपी करने का काम करते हैं आपके राउटर्स। ठीक है, फिर आपके स्विचेस क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं जिससे आपके काफी सारे है ना हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक है, स्विच बोर्ड जो होते हैं हमारे घर पे। फिर आपका नेटवर्क हब क्या होता है? ये आपका एक स्मॉल नेटवर्क डिवाइस होता है, जहां से एक कंप्यूटर है जिससे सारे कंप्यूटर्स जो है वो बाकी सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड है। तो ये कंप्यूटर क्या कहलाएगा? आपका हब कहलाएगा। ठीक है, ये होता है हब। फिर नेटवर्क रिपीटर्स क्या होते हैं? रिपीटर्स, आपने कोई भी मैसेज भेजा है अपने दूसरे डिवाइस के अंदर, आप अगर सेंडर हो, आपने कोई भी मैसेज भेजा है, तो रिसीवर तक आपका जो भी मैसेज जाएगा उसकी जो मैसेज की जो स्पीड होती है उसको स्ट्रेंथन करने का, यानी कि स्पीड को बढ़ाने का काम होता है रिपीटर्स का। ठीक है, तो ये भी आपके छोटे छोटे से कंसेप्ट से आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सब कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। नेटवर्क शब्दावली क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया है। IP एड्रेस क्या है, MAC एड्रेस क्या है, फिर आपका राउटर क्या होता है, स्विच क्या होते हैं, हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और आपकी कुछ फुल फॉर्म्स मैंने ऐड करी है जो कि आपकी हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पहली है आपकी NPTEL। ठीक है, NAPTEL है जिसको हम बोलते हैं NAPTEL। तो NAPTEL क्या है? आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज लर्निंग। ठीक है, फिर आपका है ग्रिड गरुड। ग्रिड गरुड क्या है? ये आपका फर्स्ट नेशनल ग्रिड ब्रिंगिंग टुगेदर एकेडमिक साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटीज का एक आपका एक है ना कम्युनिटी है। ठीक है, रिसर्च साइंटिफिक कम्युनिटी है। फिर आपका NKN क्या होता है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। NDL क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको 32 लाख जो बुक्स है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन देखने को मिल सकती है और आप यहाँ से ऑनलाइन बुक्स को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी है ना डिजिटल लाइब्रेरी है, आपको यहाँ पे काफी सारी बुक्स जो है वो ऑनलाइन दिख जाएगी। ठीक है, फिर एक होता है आपका NAD, NAD। NAD क्या होता है? ये है आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। आपको जो भी है ना
कोई भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई भी आपको अवार्ड मिला है, वो सब आपके यहाँ पे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंदर, आपका डिजिटल है ना डिपॉजिटरी है, यहाँ पे आपके वो सारे जो है जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं वो आपके यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, नार्ड के अंदर। फिर आता है आपका ई शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स एंड ई बुक्स, आपके जर्नल्स का और ई बुक्स का कलेक्शन है ई शोध सिंधु। आप यहाँ पे जर्नल्स को ई बुक्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ई विद्वान, ई विद्वान क्या है? एन एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क, जो भी आपके एक्सपर्ट होते हैं ना उनका जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस यानी कि उनके कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको ई विद्वान के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको ई विद्वान से अगर किसी भी एक्सपर्ट प्रोफेसर का अगर आपको है ना डेटाबेस चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ई विद्वान से डाउनलोड कर सकते हो, ई विद्वान से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका ई कल्पा। ई कल्पा क्या है? डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है फॉर डिजाइनिंग इन इंडिया, यानी कि डिजाइनिंग के लिए होता है आपका ई कल्पा, ठीक है। ई यंत्र, ई यंत्र जो है वो आपके रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जहां से हम मनी को है ना पे कर सकते हैं, पैसे पे कर सकते हैं, वो है आपका भीम, ठीक है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है। स्वयं क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। इसके आपके ना आपको कुछ क्वाड्रेंट्स दिखेंगे, इसके चार क्वाड्रेंट्स हैं इसके, ठीक है, और इसके आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स दिखेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर है आपका एनएमईसीआईटी। एनएमईआईसीटी क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है आपके पूरी के पूरी आईसीटी इन हायर एजुकेशन से जो भी आपकी टर्म्स जुड़ी हुई है आईसीटी की, वो भी मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, ठीक है, कि एनडीएल क्या होता है, नार्ड क्या है आपका, ई कल्पा क्या है, ई यंत्र क्या है, ई शोध सिंधु क्या है, विद्वान क्या है, भीम क्या है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेलवेयर्स का, ठीक है। मेलवेयर्स क्या होते हैं, अब हम उनको देखेंगे कि भाई कुछ आपके इंपॉर्टेंट मेलवेयर्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मेलवेयर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये मेलवेयर्स क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे मेलिशियस प्रोग्राम आ जाते हैं जिनकी वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है ना स्टील होने का, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी होने का खतरा बन जाता है, वो होते हैं आपके मेलवेयर्स, ठीक है। अभी कौन कौन से मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम उनको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं कि हैकिंग क्या होता है, फिर एथिकल हैकिंग क्या होता है, और फिर पायरेसी क्या होता है, ठीक है। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग होता है आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जब हम गलत तरीके से किसी के भी कंप्यूटर नेटवर्क पे उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं वो होता है हैकिंग। अब यहाँ पे ये जब भी आप अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, आपको इनके कीवर्ड्स को पहचानना पड़ेगा। आप अगर चाहे कितना भी समझ लो, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है ना सिमिलर दिखेगी, आपको एक जैसे ही दिखेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर का, हर एक प्रोग्राम का आपको एक दो कीवर्ड देखने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे है आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, आप जहाँ पे भी अनऑथराइज्ड एक्सेस देख लो तो समझ जाना वहाँ पे आपकी हैकिंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, हैकिंग क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क तक अनअधिकृत पहुँच, यानी कि जब आप अनऑथराइज्ड तरीके से, अनअधिकृत तरीके से जब आप अपने है ना किसी के नेटवर्क पे जाते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराते हो अनऑथराइज्ड तरीके से, वो आपकी हैकिंग होती है, ठीक है। अगली होती है आपकी एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होती है? टू स्कैन वल्नरेबिलिटी एंड टू फाइंड पोटेंशियल थ्रेट ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। एथिकल हैकिंग जो है वो आपकी अच्छी मानी जाती है, ये आपकी गुड वाली हैकिंग होती है। इसको काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्रोफेशनल है ना हैकर्स को हायर करते हैं कि भाई आके देखो हमारे नेटवर्क में कुछ इशू तो नहीं है, या फिर हमारे नेटवर्क में कोई कहना कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रोग्राम ऐसा तो नहीं किसी ने सेट कर दिया है जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में जा रही है, तो आप हमारे सिस्टम को हैक करके सब कुछ चेक करो। तो एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करती है और फिर वो उनके नेटवर्क उनके प्रोग्राम को चेक करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी तो नहीं है उनके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग जो होती है वो अच्छी वाली हैकिंग मानी जाती है, ठीक है। एक होती है पायरेसी। पायरेसी क्या होती है? पायरेसी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन कॉपीराइट कंटेंट एंड सोल्ड एट लोअर प्राइस। अब यहाँ पे आपको अनऑथराइज्ड वर्ड तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डुप्लीकेशन वर्ड दिखेगा, ठीक है। पायरेसी के अंदर जब भी आप डुप्लीकेट वर्ड को देख लो तो समझ जाना वहाँ पे आपकी पायरेसी की बात हो रही है, ठीक है। अब पायरेसी क्या होता है? पायरेसी होता है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी भी कंटेंट का
उसका डुप्लीकेट क्रिएट करके उसको कम प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर बेचते हैं, तो वो होती है आपकी पायरेसी। ठीक है, पहले जब सीडी वगैरह चलती थी तो लोग क्या करते थे, उन सीडीज को डाउनलोड कर लेते थे मूवीज़ को और फिर उनको सस्ते दाम पे बेचा करते थे, तो वो होती थी आपकी पायरेसी, जहां हम एक कंटेंट का डुप्लीकेट कंटेंट उसका है ना डाउनलोड कर लेते हैं, डुप्लीकेट उसका बना लेते हैं और फिर कम प्राइस के ऊपर जो प्राइस मार्केट के अंदर सेट है उससे कम प्राइस के अंदर उसको बेचते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, वो होती है आपकी पायरेसी। तो ये कुछ टर्म्स है, आपको पता होनी चाहिए। हैकिंग क्या होती है, एक अनऑथराइज एक्सेस होता है जब हम किसी के कंप्यूटर नेटवर्क में उसकी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं, तो वो आपकी हैकिंग होती है। एक आपकी एथिकल हैकिंग होती है जो कि अच्छी मानी जाती है, अच्छी वाली होती है, इसको बड़ी बड़ी कंपनियां एथिकल हैकर्स जो होते हैं प्रोफेशनल उनको हायर करती है कि भाई आओ हमारे सिस्टम को चेक करो, कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी इसके अंदर, कहीं किसी ने कुछ अपना सॉफ्टवेयर तो नहीं डाल दिया है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। ठीक है, एक आपके पास में होती है पायरेसी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम किसी कंटेंट की क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज को तैयार करते हैं और फिर मार्केट के अंदर कम प्राइस पे उनको बेचते हैं। ये आपकी होती है पायरेसी, हैकिंग और एथिकल हैकिंग। ठीक है, अब आपके होते हैं कुछ मैलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और ये भी काफी ज्यादा सिमिलर है, यहाँ पे भी आपको एक या दो कीवर्ड को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका वायरस। वायरस क्या है, हार्मफुल प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, इट डज नॉट कम फ्रॉम द नेटवर्क। वायरस आपका एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। हाँ, वायरस जो है वो आपके नेटवर्क से नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वॉर्म जो है वो आपके नेटवर्क से आता है। अब मैं समझाती हूँ कि वायरस बेसिकली होता क्या है। सपोज मेरे कंप्यूटर में ये कोई पेनड्राइव लगी हुई है, ठीक है, ये मैं किसी और के कंप्यूटर में पेनड्राइव लगा रही हूँ, उसके कंप्यूटर से मेरे को कुछ कंटेंट अपने कंप्यूटर में कॉपी करना है, कुछ लेना है, तो मैं पेनड्राइव लगा रही हूँ, उस पेनड्राइव के अंदर उसका जो भी कंटेंट है वो मैं ले रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उसके कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो पेनड्राइव लगाने के बाद में वो वायरस मेरी पेनड्राइव में आ जाएगा और फिर मैं उसको अपने कंप्यूटर में लगाऊंगी तो वो वायरस मेरे कंप्यूटर में भी आ जाएगा। तो यानी कि वायरस जो है वो हम खुद उसको बुला के लाते हैं, वायरस जो है वो नेटवर्क के थ्रू नहीं आया है लेकिन हमने उसको बुलाया है। मैं गई, मैंने अपनी पेनड्राइव दूसरे कंप्यूटर में लगाई जिसमें वायरस लगा हुआ था, फिर उसके है ना उस पेनड्राइव की मदद से उसका वायरस मेरे कंप्यूटर के अंदर आ गया, ठीक है। तो वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू स्प्रेड होता है, ना कि नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका वॉर्म होता है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है। अब वॉर्म क्या होता है, इट स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड स्प्रेड इजिली देन वायरस, इट स्प्रेड विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, इट स्प्रेड थ्रू नेटवर्क, ठीक है। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म जो है वो वायरस के बजाय आसानी से फैल जाता है, आसानी से स्प्रेड हो जाता है। अब वायरस को तो भाई मैं है ना अपने कंप्यूटर के अंदर किसी के दूसरे की है ना वायरस वाली पेनड्राइव लगाऊंगी तभी मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस आएगा, वरना नहीं आ सकता है। लेकिन वॉर्म क्या होता है, अगर मैं किसी मैलेशियस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और उस नेटवर्क में ही खराबी है, तो अगर मैं उसके वाईफाई से कनेक्ट हो गई, उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो गई, तो ही मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरे है ना जो भी डिवाइस है उसके अंदर वायरस आ जाएगा, उसके अंदर वॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वॉर्म जो कि नेटवर्क से फैलता है, ना कि आप खुद जाके उसको लेकर आए हो। लेकिन वायरस जो है वो कंप्यूटर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, लेकिन वॉर्म जो है वो आपके नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। इसलिए वॉर्म को है ना स्प्रेड होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वॉर्म जो है वो जल्दी स्प्रेड हो जाता है, लेकिन वायरस को स्प्रेड होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। अगला है आपका ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इट ट्रिक यूजर्स इनटू थिंकिंग इट इज़ अ लेजिटिमेट फिनोमेना सॉफ्टवेयर बट वंस इट इंस्टॉल्ड इट कैन परफॉर्म हार्मफुल एक्शंस। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स आपको एक लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह दिखता है। लेजिटिमेट प्रोग्राम यानी कि कोई एक अच्छा मतलब जो सामान्य प्रोग्राम होता है उसकी तरह आपको प्रोग्राम दिखेगा, लेकिन वास्तव में ये वैसा होता नहीं है, आपको दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, ये है आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये एक ऐसा वायरस होता है जिसको अगर आपने नेटवर्क पे देखा तो आपको लगेगा भाई सब कुछ ठीक है, मेरा सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये ठीक वाला वायरस नहीं होता है, ये आपका मैलेशियस वायरस होता है, मैलेशियस प्रोग्राम होता है, लेकिन ये लगता तो आपको लेजिटिमेट है लेकिन होता नहीं है लेजिटिमेट, ठीक है। अब ट्रोजन हॉर्स जो है उसकी एक स्टोरी भी बताई जाती है। स्टोरी ये है कि ये दो राजा थे, ठीक है, दो किंग थे,
दोनों के बीच में एक दुश्मनी चल रही थी। अब एक राजा ने क्या करा, दूसरे राजा के वहां पे एक सुंदर सा घोड़ा भेजा, ठीक है। अब लेकिन घोड़ा जो था, हॉर्स जो था, वहां से ही इसको ट्रोजन हॉर्स का नाम मिला है, ठीक है। अब वो जो हॉर्स था वो काफी सुंदर सजा हुआ था, डेकोरेटेड था, काफी बड़ा था, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, सुंदर सा था। तो जो दूसरा वाला राजा था ना, जिसके वहां पे है ना उस घोड़े को भेजा गया था, उसको लगा भाई घोड़ा तो अच्छी बात है, भाई मेरे को किसी ने गिफ्ट करा है घोड़ा, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा घोड़ा है, मैं इसको अपने राज्य में रखूंगा और इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो घोड़ा जैसा दिख रहा है वो वाकई में घोड़ा नहीं था, ठीक है, वो एक आपका कुछ कार्टून का घोड़ा था, कुछ है ना टॉय वाला घोड़ा था, उसके अंदर आपके काफी सारे सैनिक बैठे थे जो कि उस राजा ने भेजे थे अपने दुश्मन वाले राजा के वहां पे आक्रमण करने के लिए। और जैसे ही उसने घोड़े को अपने राज्य में एंट्री दी, वैसे ही उस घोड़े में से काफी सारे जो भी आपके मिनिस्टर्स, जो भी आपके सैनिक वगैरह थे, वो उसमें से उतरे और फिर उन्होंने उस पर आक्रमण किया। तो इसलिए आपका ट्रोजन हॉर्स नाम वहां से आया है, ठीक है। ये दिखता कुछ और है लेकिन हकीकत में होता कुछ और है। अब उस राजा को लग रहा था कि भाई हॉर्स है, अच्छा घोड़ा है, मैं इसको अपने राज्य में रखूंगा, ठीक है, डेकोरेशन के लिए भी अच्छा है, इसको मैं अपने राज्य में रखूंगा। लेकिन जब उसमें से सैनिक निकले तब उसको पता चला कि भाई अच्छा, ये दिखने में तो अच्छा था, दिखने में तो ये वाकई जैसे कोई नॉर्मल घोड़ा होता है उसकी तरह था, लेकिन ये हकीकत में वैसा नॉर्मल घोड़ा जैसा नहीं था, इसके अंदर काफी सारे सैनिक बैठे हुए थे। तो दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, ठीक है। तो हम ट्रोजन हॉर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ठीक है, कि भाई दिखाते कुछ और है लेकिन वाकई में होता कुछ और है, ठीक है। तो ये आपका ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? इट वर्क लाइक अ स्पाई, ये एक स्पाई की तरह काम करता है, ठीक है। एंड कीप एन आई ऑन योर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द सॉफ्टवेयर। अब स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक स्पाई की तरह काम करता है। अब स्पाई क्या होते हैं या फिर स्पाई कौन होते हैं? आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ में या फिर आजकल सीरियल वगैरह में काफ़ी सारे है ना लोगों के पीछे स्पाई लगा देते हैं। वो क्या करते हैं? उन लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं, भाई ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन, पूरी उनकी जानकारी उनके पास में होती है। तो यही आपका स्पाई होता है और यहीं से ही आपका स्पाईवेयर नाम दिया गया है, ठीक है। किसी के भी कंप्यूटर में स्पाईवेयर नाम का कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देंगे, अब जब भी वो उस कंप्यूटर को ऑन करेगा तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ काम करेगा अपने कंप्यूटर पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाले इंसान के पास में जाती रहेगी, पहुंचती रहेगी, और उसके जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो सब उस इंसान तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पाईवेयर। एक होता है आपका की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? इट ट्रैक योर कीज, दैट्स व्हाई ओनली यूज डिजिटल कीबोर्ड एट साइबर कैफेज। यानी कि जो आपके की लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप अगर कहीं पे भी है ना आप कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हो किसी साइबर कैफ़े वगैरह के अंदर, तो आपने है ना कीबोर्ड में अपना कुछ भी पासवर्ड या कुछ भी आपने अगर है ना टाइप करा है वहाँ पे, पेटीएम का आपने अगर कोई पिन टाइप करा है, कोई भी पासवर्ड ओटीपी वगैरह टाइप करा है, तो की लॉगर क्या करता है, आपने जो कुछ भी टाइप करा है ना उसकी जो कीज़ है वो वहाँ पे सेव हो जाती है, ठीक है। फिर आप तो वहाँ से चले गए टाइप करके उस साइबर कैफ़े में से, अब कोई दूसरा आके उस की को वापस से खोल के देख सकता है कि भाई आपने क्या टाइप करा है, क्या आपने ओटीपी लिखा है, क्या आपने पिन लिखी है, क्या आपने पासवर्ड लगाया है, वो सब आपका चेक कर सकता है। तो ये होता है आपका की लॉगर, जो कि आप जो भी कुछ है ना अपने कीबोर्ड के ऊपर आप टाइप करते हो वो सब आपके वहाँ पर की लॉगर के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। वायरस क्या होता है? वायरस को हम खुद जाकर लेकर आते हैं। मैंने अपनी पेन ड्राइव किसी वायरस वाले कंप्यूटर के अंदर लगाई है, फिर वो जो पेन ड्राइव थी वो मैंने अपने कंप्यूटर में लगा ली तो उसका वायरस मेरे कंप्यूटर में आ गया, ठीक है। यानी कि वायरस क्या है? वायरस को मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ। मैंने वायरस को बोला है आ बैल मुझे मार, ठीक है, मैं खुद उसको लेकर आई हूँ, वो खुद नहीं आया, मैंने उसको बुलाया है, मैंने उसका स्वागत किया है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? ये नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है। आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जिस नेटवर्क में ही कोई खराबी है उसमें ही कोई वायरस है, ठीक है, आप अगर उससे कनेक्टेड हो तो वायरस ऑटोमेटिकली आपके ना कंप्यूटर के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर वायरस आ जाएगा। ये होता है वॉर्म, ठीक है। वॉर्म आपका बिन बुलाया मेहमान होता है। आप इसको लेके नहीं आए हो लेकिन आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड थे और उस नेटवर्क में ही खराबी थी, तो इसलिए आपके डिवाइस में भी वो वायरस जो है वो आ चुका है वॉर्म की मदद से, ठीक है। वॉर्म जो है वो जल्दी स्प्रेड होता है बजाय वायरस के, ठीक है। एक होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स को मैं बोलती हूँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। यानी कि ये दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ये दिखता तो है हमको लेजिटमेट, जैसे वो घोड़े वाली स्टोरी थी, ठीक है, दिखता तो हमको एकदम सही अच्छा वाला दिखता है, लेजिटमेट दिखता है, लेकिन वाकई में होता कुछ और ही है ये, ठीक है।
एक होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, ये सब पे नजर रखता है भाई कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। तो किसी ने अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्पाईवेयर वाला सॉफ्टवेयर लगा दिया तो क्या होगा, आप आपके कंप्यूटर में कुछ भी काम करोगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचती रहेगी, ठीक है। एक होता है की लॉगर। की लॉगर क्या करता है, आपके पासवर्ड वगैरह को, आप जो भी कीबोर्ड आपने यूज़ करा है उसमें आपने जो कुछ भी टाइप करा है तो की लॉगर क्या करेगा, आपकी वो जो भी आपने कीज़ को टाइप करा है उन कीज़ को वहाँ पे स्टोर कर लेता है, वहाँ पे सेव कर लेता है उनको, ठीक है। तो कोई दूसरा इंसान आके आपके पासवर्ड को भी देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब भी आप साइबर कैफेज में रहो तो आप डिजिटल कीबोर्ड को ही यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मैलेशियस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपका की लॉगर क्या है, ये सब कुछ आपका यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब अगला है आपका मेलवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम हमारे मेलवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहते हैं तो हम है ना, ये जो भी मेलेशियस प्रोग्राम होते हैं इनसे बच सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को बचा सकते हैं, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एक होता है आपका फायरवॉल, एक होता है एंटीवायरस, ठीक है, एक होता है आपका एंटी स्पायवेयर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी स्पायवेयर। अब आपका फायरवॉल क्या होता है, इट मॉनिटर ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है। आप अगर कुछ भी कहीं से रिसीव कर रहे हो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर, या फिर आप किसी को कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ भी सेंड कर रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस के अंदर, तो ये फायरवॉल क्या करता है, उसमें नज़र बना के रखता है कि भाई क्या चीज़ आ रही है कंप्यूटर में, क्या चीज़ कंप्यूटर से जा रही है, कहीं कुछ ख़राब चीज़ तो कंप्यूटर में एंटर नहीं कर रही है। ये सारा काम देखने का होता है फायरवॉल का, ठीक है। अब एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस होता है, इट इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दैट प्रिवेंट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस फ्रॉम योर सिस्टम। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में से जो भी सॉफ्टवेयर वायरसेस होते हैं उसको हटाने का काम करता है एंटीवायरस, और ये आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। फिर होता है आपका एक स्पायवेयर, एंटी स्पायवेयर। एंटी स्पायवेयर क्या करता है, डिटेक्ट एंड रिमूव प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इलीगल ऑन द यूजर्स कंप्यूटर, यानी कि आपके अगर कंप्यूटर में कोई भी इलीगल प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है तो स्पायवेयर क्या करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके मेलवेयर प्रोटेक्शन जो भी सॉफ्टवेयर है वो लिखे हुए हैं हिंदी के अंदर कि फायरवॉल क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, एंटी स्पायवेयर क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फायरवॉल क्या है, यह आने वाले और बाहर जाने वाले सभी ट्रैफिक पर नजर रखता है कि भाई क्या चीज़ कंप्यूटर में एंटर कर रही है, क्या चीज़ जा रही है, ठीक है। फिर एंटीवायरस क्या होता है, यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम से सॉफ्टवेयर वायरस को रोकने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। और फिर एंटी स्पायवेयर क्या होता है, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर अवैध रूप से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम का पता लगाता है और उनको हटाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ थे मेलवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमने पढ़ी मेलवेयर के बारे में कि भाई मेलवेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और किस तरीके से हम इन मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, वो भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर अब हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मेलवेयर प्रोग्राम से, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है जहाँ पे आपको दो कथन दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि आपको बताना है दोनों कथन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट पूछी है, पायरेसी रिफर्स टू अटेम्प्ट टू गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदरवाइज अनडिस्क्लोज्ड एरिया, और दूसरा पूछा है हैकिंग रिफर्स टू द अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे हिंदी में भी दिए हुए हैं कि पायरेसी का तात्पर्य है अन्यथा गुप्त क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने के प्रयासों से है, और दूसरा कथन बोला है हैकिंग का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अनधिकृत नकल में से है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन गलत है, यानी कि दोनों ही कथन जो है वो आपके गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अब गलत क्यों है, दोनों उल्टे फुलटे लिखे हुए हैं। पायरेसी क्या होता है, पायरेसी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं किसी कंटेंट की जब हम डुप्लीकेट कॉपीज बना लेते हैं और फिर उसको कम दाम के ऊपर बेचते हैं मार्केट में, तो वो होती है पायरेसी, लेकिन वो आपकी हैकिंग के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और हैकिंग बताया था मैंने आपको कि ये क्या है, ये है ना अब क्या करता है अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर नेटवर्क में आके आपकी इन्फॉर्मेशन को यू है ना एक्सेस करता है अनऑथराइज तरीके से, ठीक है। तो हैकिंग की लिखी हुई है पायरेसी के अंदर, पायरेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी हैकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये उल्टी पुल्टी लिखी हुई है, इसलिए आपके दोनों ही कथन क्या है, फॉल्स है। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि अ डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैस्क्वेड्स एज अ यूजफुल एप्लीकेशन इज कॉल्ड, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या फिर
फर्मवेयर, यानी कि एक विनाशकारी कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक उपयोगी अनुप्रयोग के रूप में सामने आता है, उसको हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, वॉर्म कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, या फिर हम उसको फर्मवेयर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये बताया हुआ है कि एक प्रोग्राम है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमको यूज़फुल एप्लीकेशन की तरह दिखता है, यानी कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। ठीक है, मैंने बताया था हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वो बताया था मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ट्रोजन हॉर्स। ये दिखता तो है हमको कि ये लेजिटिमेट है, लेकिन होता है ये इलीगल। ठीक है, इलीगल होता है ये, तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, तो ये होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ये थे आपके ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ये भी आपका एक PYQ है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी की क्या क्या टाइप है, रैम क्या होता है, रोम क्या होते हैं, उनके भी कुछ सब टाइप्स हैं, तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट से हर बार क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सबसे पहले मेमोरी होती क्या है। ये हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये मेमोरी होती क्या है? मेमोरी होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए एक हमको कैपेसिटी, एक हमको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम हमारे डेटा को, हम हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। ठीक है, फ़ोन में भी हमको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में भी स्टोरेज की ज़रूरत होती है, हमारे दिमाग में भी हमको काफ़ी सारी मेमोरीज को स्टोर करना होता है, काफ़ी सारे डेटा को स्टोर करना होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। तो हमको जहाँ पे भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो कुछ भी लगता है वो हमारी मेमोरी कहलाती है, जहाँ पे हम हमारे डेटा को, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे डेटा को, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, वो हमारी मेमोरी कहलाती है। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके की मेमोरीज होती है। ठीक है, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगी, तो हिंदी में भी है PDF। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है आपकी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपकी तीन तरीके की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है एक, और एक होती है आपके पास में ऑप्टिकल स्टोरेज, एक होती है आपके पास में सॉलिड स्टेट मेमोरी। अब ये सब क्या होती है हम इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आगे जाके आपके दो भागों में और डिवाइड हो जाएगा, SRAM और DRAM, जिसको हम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के नाम से जानते हैं। फिर जो रोम है आपका रीड ओनली मेमोरी, ये आपके तीन भागों के अंदर या फिर चार भागों के अंदर डिवाइड होगा, जिसको हम PROM, EPROM एंड EEPROM के नाम से जानेंगे। ठीक है, फिर आगे हम सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी आपकी है ना, थोड़ा सा आपके है ना स्टोरी होने वाली है, काफ़ी बड़ी आपकी मेमोरी मैनेजमेंट की थोड़ा सा टॉपिक यूनिट होने वाला है। ठीक है, अभी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वॉलेटाइल, वॉलेटाइल यानी कि ये टेम्पररी होती है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंट नहीं रहने वाला है, आज इवन आपके यहाँ पे स्टोर नहीं रहने वाला है, ये टेम्पररी डेटा होता है। ठीक है, एंड द स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लिमिटेड इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कुछ लिमिटेड होती है, कुछ हद तक होती है, आप सब कुछ यहाँ पे डाउन आप है ना स्टोर नहीं कर सकते हो सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, लिमिटेड होती है प्राइमरी मेमोरी और वॉलेटाइल होती है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले है आपका रोम। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आता है आपका रोम। रोम क्या है? रोम के फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट। अब रीड और राइट का क्या मतलब होता है पहले इसको समझो। एक होती है आपके पास में रीड टर्म और एक है आपके पास में राइट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये जो आपकी रोम है वो सिर्फ आपकी रीड करने वाली मेमोरी है, राइट वाली मेमोरी नहीं है। यानी कि रीड वाली मेमोरी क्या होती है? जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में से डेटा को है ना देख सकते हैं, हम कुछ कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी कुछ स्टोर है हम सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वापस से बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसमें वापस से हम है ना कोई भी डेटा को डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, रीड करना होता है कि हमने कंप्यूटर से कोई भी डेटा बाहर निकाला और उसको पढ़ लिया, राइट करना होता है हमने कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव करा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि हम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ डेटा को बाहर निकाल के पढ़ सकते हैं, कुछ भी उसको अंदर राइट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ भी डेटा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो रोम जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ पे आपका राइट जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब ये आपकी है ना नॉन टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी कि ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन जो रैम होती है वो आपकी वॉलेटाइल होती है, यानी कि आपकी
टेम्प्ररी होती है, अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगी, ठीक है। अब जो रोम है वो आपकी बूट स्ट्रैपिंग के लिए काम आता है। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ बूट स्ट्रैपिंग होती है, तो वो जो बूट स्ट्रैपिंग की जो भी मेमोरीज है वो आपकी रोम के अंदर स्टोर होती है। इसलिए जो रोम है वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, ये इसलिए आपका परमानेंट है। आप जब भी कंप्यूटर चलाओगे तो आपके है ना, कंप्यूटर चलाते ही आपकी बूट स्ट्रैपिंग होगी आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपकी वो जो मेमोरी है वो परमानेंटली स्टोर हो गई है आपकी रोम के अंदर। तो रोम जो है वो बूट स्ट्रैपिंग का काम करता है, यानी कि आपका जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो आपकी रोम मेमोरी से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर रोम जो है, चिप्स आर नॉट ओनली यूज इन कंप्यूटर बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, माइक्रो ओवन्स। यहाँ पे भी आपकी रोम की जो चिप्स है ऐसी दिखती है, रोम की चिप, ठीक है, वो आपकी काफ़ी सारी अलग अलग डिवाइसेस जैसे कि मशीन हो गया, ओवन हो गया, ठीक है, इनमें भी यूज़ होती है, ठीक है। अब रोम के आपके कुछ टाइप्स होते हैं, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। अब ये क्या होते हैं इनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एम रोम, यानी कि आपका ये मास्क्ड रोम होता है जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम इसके अंदर दोबारा से डेटा को बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपने अगर एक बार कोई डेटा है ना रोम के अंदर स्टोर कर दिया तो आप दोबारा चाहते हो कि मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ तो वो आप नहीं कर पाओगे एम रोम के अंदर, ठीक है। एक होता है आपके पास में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पी रोम। सबकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया है कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको सबकी फुल फॉर्म याद रखनी है। रोम क्या है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सारी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। पी रोम क्या होता है? पी रोम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ है ना क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही बार आप अपनी मेमोरी को मॉडिफाई कर सकते हो। रोम, पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र, यानी कि यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही बार अपनी मेमोरी को मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि आपने कुछ रोम के अंदर कुछ भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए, उसके अंदर कोई भी आपने डेटा को स्टोर किया, आप चाहते हो कि मेरे को इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कुछ मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मॉडिफिकेशन कर सकते हो पी रोम के अंदर, ठीक है। एम रोम के अंदर तो एक भी बार आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर आया हमारे पास में पी रोम। पी रोम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम एक ही बार चेंजेस कर सकते हैं हमारे रोम के अंदर, ठीक है। फिर आया हमारे पास में ई पी रोम। ई पी रोम क्या है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यानी कि इरेजेबल है, यानी कि अब हम इसमें से मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, लेकिन इरेज कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई पी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स। ई पी रोम में से अगर हमको हमारी मेमोरी को इरेज करना है, दोबारा से हमको पूरी जो हमने मेमोरी स्टोर करी है उसको हमको हटाना है, नई मेमोरी को हमको डालना है, तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैसे रिमूव कर सकते हैं पुरानी मेमोरी को? हमको 40 मिनट तक उसको धूप के अंदर रखना होगा, यानी कि यूवी लाइट के अंदर हमको 40 मिनट तक उसको रखना होगा, तब जो हमारी पहले वाली मेमोरी है रोम में से वो आपकी इरेज होगी, उसके बाद में आप उसके अंदर कोई भी नई मेमोरी को स्टोर कर पाओगे 40 मिनट तक। अब आज के टाइम पे कहाँ किसी के पास 40 मिनट है, ठीक है। तो आया हमारे पास में ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पे आप कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही अपनी जो भी आपने रोम के अंदर डेटा को स्टोर किया है उसको आप रिमूव कर सकते हो और नए डेटा को आप कितनी भी बार चाहो मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके ईईपी रोम, यानी कि इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका इलेक्ट्रिकली आपकी मेमोरी को इरेज भी कर सकता है और आप यहाँ पे कितनी भी बार चाहो तो अपनी मेमोरी के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके रोम के टाइप, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। एम रोम के अंदर आप एक भी बार चेंजेस नहीं कर सकते हो, पी रोम के अंदर सिर्फ एक बार कर सकते हो, ई पी रोम के अंदर भी आप कुछ बार ही कर सकते हो चेंजेस, लेकिन वो चेंजेस कब होंगे? जब आपको 40 मिनट तक अपनी जो आपकी रोम है उसको धूप के अंदर रखना होगा, आपको यूवी लाइट के अंदर रखना होगा, उसके बाद आपकी पहले वाली मेमोरी जो है वो इरेज होगी, फिर आप उसके अंदर अपनी नई मेमोरी को स्टोर कर पाओगे, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ टाइम, कुछ है ना बार ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सिर्फ कुछ आपको लिमिटेड टाइम्स ही मिलते हैं जब आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ईईपी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली अपनी मेमोरी को इरेज भी कर सकते हो और चाहे कितनी बार उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये होता है आपका रोम, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी मेमोरी जिसका नाम है रैम, ठीक है। रैम क्या होती है? ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये आपकी रीड और राइट मेमोरी होती है। रीड क्या होता है? जहाँ पे हम कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन खुद कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके खुद उसको रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। राइट यानी कि हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जो आपकी रैम है वो आपका रीड मेमोरी भी है
और आपके राइट मेमोरी भी है, ठीक है। लेकिन जो रोम है वो सिर्फ आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, उसके अंदर हम राइट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अभी रैम जो है वो आपका वॉलेटाइल होता है, यानी कि ये आपका टेम्पररी होता है, ये आपका वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। अब रैम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रैम जो है वो आपका वॉलेटाइल होता है। रैम इज स्मॉल बोथ इन टाइप बोथ इन टर्म ऑफ साइज एंड इन टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि रैम जो है वो आपका स्मॉल होता है साइज में भी और स्टोरेज की कैपेसिटी में भी, यानी कि रैम के अंदर हम आपके पास में कुछ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी, आप उसके अंदर ही अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब रैम के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है आपके पास में डी रैम। यहाँ पे लिखा हुआ है एक है आपके पास में एस रैम, एक है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या है इसको समझ लो। मैंने बताया है कि भाई किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो जो शब्द है उसका मतलब समझ लो, तो वो चीज़ जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब डायनेमिक क्या है, जो क्या है, जो गतिशील है, जिसके अंदर बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, वो आपका डायनेमिक कहलाता है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक क्या है, जो सेम रहता है, जो हर टाइम पे आपका स्थिर रहता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में स्थिर बोलते हैं, जो आपका कोई चीज़ है वो स्थिर है तो वो आपकी स्टैटिक है, किसी के अंदर बार बार बदलाव हो रहे हैं तो वो आपकी डायनेमिक है। बस यहीं पर ही आपकी आती है एस रैम और डी रैम का सिस्टम। एस रैम क्या है, ये आपकी स्टैटिक मेमोरी है, ये आपकी स्थिर मेमोरी है। एस रैम डज नॉट नीड टू बी रिफर्ड टू रिमेंबर द डेटा बीइंग स्टोर्ड, यानी कि ये आपकी स्थिर मेमोरी है, तो इसके अंदर हमको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब एस रैम जो है, स्टैटिक रैम जो है, वो आपकी कैश मेमोरी बनाती है, आपकी कंप्यूटर लैपटॉप फ़ोन वगैरह के अंदर जो कैश मेमोरी बनती है वो आपकी एस रैम ही बनाती है, यानी कि एस रैम जो है वो बाद में जाके आपकी कैश मेमोरी बन जाती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं हम वो देखते हैं। एस रैम जो है वो लो पावर कंज्यूम करती है, एक तो इसका एडवांटेज है कि एस रैम जो है वो लो पावर कंज्यूम करती है और फास्टेस्ट इसकी स्पीड होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि ये है ना कम मेमोरी कैपेसिटी की होती है, भाई इसके अंदर ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी नहीं होती है चीज़ों को स्टोर करने की, और ये हाई कॉस्ट वाली होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं एस रैम के, ठीक है। दूसरा आता है आपका डी रैम, यानी कि आपकी डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, ये आपकी डायनेमिक है, यानी कि गतिशील है, जो बार बार चेंज होती रहती है, तो इसको हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, यहाँ पे डेटा जो है वो आपका है कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर होते हैं, और ये जो है इसके अंदर हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम इज कॉल्ड डायनेमिक एंड अ कॉन्स्टेंट चेंज और एक्शन, इसके अंदर बार बार चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमको इसके अंदर बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं कि ये लो कॉस्ट की होती है, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा एस रैम जो है, जो आपकी स्टैटिक रैम है, इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है, लेकिन डी रैम की कॉस्ट क्या है, लो है। यानी कि आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे याद रख सकते हो, जो आपकी एस रैम के एडवांटेजेस हैं वो डी रैम के आपके है ना डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, जो आपके डी रैम के, जो आपकी एस रैम के डिसएडवांटेजेस हैं वो आपकी डी रैम के एडवांटेजेस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो आपकी डी रैम है वो आपकी लो कॉस्ट की होती है, और यहाँ पे आपके पास में ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटी होती है। एस रैम के अंदर मेमोरी भी कम होती है और ये महंगी भी होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो जो इसका डिसएडवांटेज है वो डायनेमिक का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। कैसे, एक तो ये सस्ती होती है, ठीक है, एक तो लो कॉस्ट की होती है, और ये मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा होती है बजाय आपकी है ना एस रैम की, ठीक है। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये आपकी हाई पावर को कंज्यूम करती है, लेकिन एस रैम लो पावर को कंज्यूम करती थी, और ये आपकी स्लो स्पीड की होती है, लेकिन एस रैम यहाँ पे फास्ट होती थी। तो जो इसका एडवांटेज है अब वो इसका डिसएडवांटेज बन गया, ठीक है। यानी कि जो उसकी लाभ था वो यहाँ पे इसकी हानि बन गई है। एक तो ये क्या करती है, ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती है, और ये स्लो स्पीड में काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, ठीक है। तो ये है आपकी एस रैम और डी रैम, हमने यानी कि रैम भी देख लिया। भाई रैम क्या होता है, रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। और एक हमने रोम भी देख लिया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें हमने देख लिया प्रोग्रामेबल रोम होता है, ठीक है, आपका पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, वो सब हमने देख लिया, ठीक है। रैम और रोम जो है प्राइमरी मेमोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, कि ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक। अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी एंड रिफर्स टू द मल्टीपल स्टोरेज मीडिया ऑन विच अ पीसी कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, और यहाँ पे आपकी मल्टीपल स्टोरेज मीडियाज के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है,
ठीक है, मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी आपकी ये टेम्पररी होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी परमानेंट होती है। अब परमानेंट का ये मतलब नहीं है कि आपकी एक बार सेकेंडरी मेमोरी को लेकर आ जाओ और जिंदगी भर आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो चलती ही रहेगी। जो आपकी सीडी डीवीडी जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो क्या सीडी डीवीडी वगैरह आपकी आजीवन चलते रहते हैं क्या? नहीं, वो भी कभी ना कभी तो खराब होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है। इसका ये मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी के बजाय यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, ये ज़्यादा समय तक आपकी मेमोरी को स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे है ना परमानेंट का मतलब है। तो ये मत सोचना कि भाई परमानेंट मतलब एक बार सीडी या डीवीडी लेकर आ जाओ तो वो कभी खराब ही नहीं होगी, वो जिंदगी भर आपकी चलती ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान है खराब तो होंगे ही, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के बजाय यहाँ पे आपका स्टोरेज जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाता है। ठीक है, ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी आती है मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है, एक होती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज और एक होती है आपकी सॉलिड स्टेट मेमोरी। ये तीनों होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो अब हम इनको पढ़ते हैं कि भाई इसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहली है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज। ये क्या होती है? द डिवाइस दैट कम अंडर द मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। सेकेंडरी मेमोरी में जो आपकी सबसे पहली है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया के अंदर आती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया के अंदर आती है। ठीक है, देयर आर द डिवाइसेस दैट आर कोटेड विद द मैग्नेटिक लेयर, मैग्नेटाइज्ड इन एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे जो आपकी मेमोरी है वो आपकी मैग्नेटिक लेयर्स के अंदर स्टोर होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो आपके उसके अंदर कुछ आपकी मैग्नेट लगा हुआ होता है और इस मैग्नेट के अंदर आपकी मेमोरी जो है वो यहाँ पे स्टोर होती है, इसलिए इसका नाम भी दिया हुआ है मैग्नेटिक स्टोरेज। स्टोरेज जो है वो मैग्नेटिक लेयर्स के अंदर होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला है आपका ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या है? सीडी डीवीडी कम्स अंडर द ऑप्टिकल स्टोरेज। सीडी डीवीडी जो है वो आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आते हैं। विच स्टोर्ड एज अ स्पाइरल पैटर्न ऑफ पिट एंड रिज्ड सिग्निफाइंग बाइनरी 0 एंड 1। ये क्या करती है? ये आपके मैग्नेटिक कोड्स के थ्रू तो अपनी है ना मेमोरी को स्टोर नहीं करती है, बट इन दीज डिवाइसेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रीड यूजिंग अ लेजर बीम। ये आपकी लेजर बीम्स के अंदर मेमोरी को स्टोर करती है। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या करती है? मैग्नेटिक है ना एक लेयर कोट होती है, उसके अंदर आपकी मेमोरी को स्टोर करती है। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या करती है? लेजर बीम के अंदर आपकी मेमोरी को स्टोर करती है। अब लेजर बीम क्या होती है मैम? लेजर बीम होती है, आपने देखा होगा सीडी डीवीडी के नीचे है ना गोल गोल से आपकी चमकीली चमकीली एक परत लगी हुई होती है। ठीक है, आप देखना अगर आपके घर पे कोई सीडी डीवीडी है तो उनके नीचे चमकीली आपको एक परत दिखेगी। ठीक है, उस चमकीली परत को हम लेजर बीम बोलते हैं। तो उसके अंदर जो आपकी मेमोरी स्टोर होती है वो आपकी उन चमकीली परत के अंदर स्टोर होती है, यानी कि वो आपकी लेजर बीम के अंदर मेमोरी स्टोर होती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, इसमें आपकी आती है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि आपकी सीडी और आपकी आती है डीवीडी। ठीक है, ये आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के एग्जांपल्स हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो या फिर वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, और एक होती है आपकी ब्लू रे यानी कि बीडी। ठीक है, एक होती है आपकी सॉलिड स्टेट मेमोरी। सॉलिड स्टेट मेमोरी क्या होती है? इट विल बी वर्क बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये यहाँ पे क्या करती है ना, ये मैग्नेटिक के अंदर अपनी मैग्नेटिक टेप्स के अंदर अपनी मेमोरी को सेव करती है, ना ही ये लेजर बीम्स के अंदर अपनी मेमोरी को सेव करती है, बट ये क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर अपनी मेमोरी को स्टोर करती है। पेन ड्राइव जो है, आपकी यूएसबी जो है, ये सब आपके सॉलिड स्टेट मेमोरी के आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में हमने देखा आपका रैम और रोम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से डायग्राम में समझा देती हूँ। प्राइमरी में हमने देखा रैम और रोम होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं SRAM और DRAM, और आपके आता है PROM, EPROM एंड EEPROM। ठीक है, फिर हमने देखा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? एक होती है हमारे पास में हार्ड डिस्क होती है, एक होती है फ्लॉपी डिस्क जो कि आपके मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर आती है। मैग्नेटिक स्टोरेज जो आपकी मेमोरी है वो आपकी मैग्नेटिक लेयर्स के अंदर, यानी कि मैग्नेटिक जो आपकी है ना कोटेड मैग्नेटेड कोटेड जो आपकी लेयर है वहाँ पे आपकी मेमोरी को स्टोर करता है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, फिर एक होती है आपके पास में कॉम्पैक्ट डिस्क, एक होती है वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि आपके पास में सीडी होती है, डीवीडी होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, जो कि आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आती है। ये मेमोरी को स्टोर करते हैं लेजर बीम्स के अंदर। लेजर बीम क्या होती है? आपके पास में एक चमकीली परत होती है सीडी डीवीडी के अंदर, वहां पे आपकी मेमोरी जो है वो स्टोर होती है सीडी और डीवीडी के अंदर, जो कि आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आते हैं। फिर पेन ड्राइव जो है वो आपकी सॉलिड स्टेट मेमोरी में आती है, जो कि मेमोरी को कहाँ पे स्टोर करती है? ना ही आपकी मैग्नेटिक लेयर के अंदर स्टोर करती है, ना ही
लेज़र बीम के अंदर आपकी मेमोरी को स्टोर करती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपकी मेमोरी को स्टोर करती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, हर एक मेमोरी के आपको पता होनी चाहिए भाई, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है, लेज़र बीम वगैरह क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मेमोरी के लेवल्स बताए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास में सीपीयू होगा, ठीक है, सीपीयू के पास में होती है आपकी कैश मेमोरी, फिर आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, और फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो पूरी आपकी है ना लेवल्स है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आपका यहाँ पे ये सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि स्मृति प्रबंधन। सबसे पहले मैंने बताया आपको मेमोरी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर मैंने आपको बताया कि भाई प्राथमिक मेमोरी क्या होती है और आपकी माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो इसमें आती है आपकी एक तो रैम आती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले हमने रैम को देखा और एक हमने रोम देखा। रैम में आई आपकी एक तो एस रैम और आपकी डी रैम। एस रैम क्या है, स्थैतिक रैम है, ठीक है, और डी रैम है आपकी गतिशील रैम। फिर हमने रोम देखा, तो हमने देखा एक पी रोम, एक हमने देखा ई पी रोम और एक हमने देखा ई ई पी रोम, ये जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को रोम में से। ठीक है, फिर हमने सेकेंडरी मेमोरी देखी। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले आई आपकी चुंबकीय भंडार, ठीक है, चुंबकीय है भंडारण या जाने की जहाँ पे है ना मैग्नेटिक लेयर्स के अंदर आपकी मेमोरी जो है वो स्टोर होती थी। फिर हमने देखा ऑप्टिकल भंडारण और फिर हमने देखा सॉलिड स्टेट मेमोरी। ये तीनों के हम सब कुछ एग्जांपल वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। ये आपका पी रोम है, आपका एम रोम, पी रोम हो गया, ई पी रोम और ई ई पी रोम हो गया, ये क्या होता है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर हमने आपका रैम देखा, ठीक है, रैम होता है आपका एस रैम, ये बना हुआ है, और डी रैम आपका यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि आपका स्थैतिक रैम जो होता है और आपका डायनेमिक रैम जो होता है डी रैम, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और फिर हमने यहाँ पे स्मृति के कुछ स्तर देखे। सबसे पहले आता है आपका सीपीयू, उसके बाद में आती है आपकी कैश मेमोरी, फिर होती है आपकी माध्यमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, और फिर होती है आपकी सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक मेमोरी। सबसे पहले होती है प्राथमिक मेमोरी, फिर होती है माध्यमिक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स है मेमोरी के, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे काफ़ी सारे लोगों से बातें करते हैं तो वो हमारी कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ये तो हमारी डेली यूज़ की है ना चीज़ है, जो कि हम मोस्टली डेली यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी ये होती है कॉन्फ्रेंसिंग। अब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे आपकी वीडियो का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, इजी है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हमको पता होनी चाहिए कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली है हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, सिंपल कॉन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन बाय मोर देन टू पर्सन मे बी ट्रीटेड एज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जहाँ पे फ़ोन पे दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं लेकिन सिर्फ ऑडियो उनकी सुनाई दे रही है, वो होती है आपकी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, एक होती है आपके पास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो कॉल्ड वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हम इसको वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, एंड इज सेटअप यूजिंग बोथ ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट फॉर ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसेप्शन फ्रॉम सेपरेट लोकेशंस। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम है ना ऑडियो और वीडियो दोनों को ही शेयर कर सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं प्लस हम वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो दोनों का ही इसके अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हमको देखना है कि भाई मेजर कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको है ना लगते हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। सबसे पहले होता है आपका वीडियो कैम या फिर वेब कैम जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपका वीडियो इनपुट का काम करता है। एक होता है आपका डिस्प्ले डिवाइस की भी हमको ज़रूरत होती है, चाहे आपका मॉनिटर हो जाए, आपका टेलीविजन, आपका प्रोजेक्टर हो जाए, जो कि एक वीडियो आउटपुट डिवाइस होता है। एक होता है माइक्रोफोन जो कि आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। एक होता है आपका स्पीकर जो भी आपका ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हम है ना हमारी डिवाइस के अंदर अपनी वॉइस दे रहे हैं, तो ये होता है आपका ऑडियो इनपुट। लेकिन स्पीकर हमको बाहर अपनी है ना बाहर हमको ऑडियो भेज रहा है, यानी कि बाहर हमको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो होता है ऑडियो आउटपुट। ठीक है, एक होता है डेटा ट्रांसफर यानी कि एनालॉग या फिर डिजिटल आपके पास में टेलीफोनिक नेटवर्क भी होना चाहिए ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और आपके पास में कोई है ना आपके पास में होना चाहिए डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स लगते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। ठीक है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आपके कुछ ऐप्स एंड वेबसाइट भी है जो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई चार ऑप्शन दे दें आपको और पूछे कि भाई बताओ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वेबसाइट कौन सा है, ऐप कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक होती है आपके पास में जूम ऐप,
जिसे हम वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन फॉर बिजनेसेस। ठीक है, एक होती है आपके पास में एक गूगल मीट, जहाँ पे हम गूगल मीटिंग करके अपनी ऑडियो वीडियो को, है ना, ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी एचएन अध्ययन पे अपने स्टूडेंट्स के साथ में गूगल मीट पे ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास में गो टू मीटिंग, इट हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स इंक्लूडिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, इंक्लूडिंग इंस्टेंट मीटिंग और मीटिंग स्केड्यूलिंग, मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज इन ऐप मीटिंग। ठीक है, गो टू मीटिंग जो है वो भी हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सारे मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम इंस्टेंट मीटिंग भी शेयर कर सकते हैं, मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, आपकी मीटिंग को स्केड्यूल भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप गो टू मीटिंग के अंदर कर सकते हो। ठीक है, एक होता है स्काइप, ये भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप होता है। एक होता है सिस्को वेबएक्स, ठीक है, एक है आपका ब्लू जीन्स, एक हो गया आपका स्लैक, एक हो गया आपका appear.in, ठीक है, और एक हो गया आपका बिग ब्लू बटन। ये सभी आपके क्या है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऐप्स हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है कि भी कौन सा ऐप आपका ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, सबसे पहले हमने देखा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो क्या कहती है, दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन पर की गई साधारण बातचीत को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से हम जानते हैं। यानी कि जहाँ पे दो लोगों के बीच में सिर्फ ऑडियो का ट्रांसफर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो हो गई आपकी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, एक होती है आपके उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, जहाँ पे हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ऑडियो प्लस वीडियो। ठीक है, हम सुन भी सकते हैं प्लस हम वहाँ पे वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, तो वो होता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हमारे कुछ ऐप्स होते हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है। आपका एक हो गया जूम ऐप हो गया, गूगल मीट हो गया, गो टू मीटिंग हो गया, स्काइप हो गया, सिस्को वेबएक्स हो गया, ब्लू जीन्स हो गया, आपका स्लैक हो गया, appear.in हो गया, ठीक है, बिग ब्लू बटन हो गया। ये सब आपके क्या है, आपके ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऐप्स और वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ICT की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी पूरी क्लास। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई मैम ये वाला टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कमेंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप हमारे साथ में टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो अभी तक, तो आप हमको टेलीग्राम पे हिंदी नारी के नाम से सर्च करके और आप हमारे साथ में आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। हम वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते रहते हैं, कुछ भी हमको PDF डालनी होती है क्लासेस की तो भी हम टेलीग्राम पे ही डालते हैं। आजकल तो हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो वहाँ पे क्विजेस भी चल रहे हैं। ठीक है, मैं डेली आपको कुछ PYQs वहाँ पे देती हूँ, तो PYQs वगैरह आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैच से जुड़ी हुई, कोई भी आपकी PDF है, कोई भी आपके नोट्स हैं, कोई भी आपके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह हैं, जो भी कुछ हमको डालना होता है सब कुछ हम PDF के आपके, है ना, टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से हमसे ज़रूर जुड़ जाना। ठीक है, तो ये हमारी आज की पूरी रिविजन क्लास थी ICT की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर से बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू।